वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि इंटेल की 12th जनरेशन सीरीज लॉन्च हुए थोड़ा समय हो चुका है। 12th जनरेशन के आजकल जो भी प्रोसेसर आ रहे हैं तो काफ़ी दमदार आ रहे हैं और उन पे DDR4 और DDR5 दोनों प्रकार के सेटअप आप बना सकते हो, यानी कि दोनों तरह से जो है वो सपोर्ट कर जाते हैं। और 12th जनरेशन में ही एक प्रोसेसर आता है इंटेल का सेलरॉन G6900। पहले इसके जान लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो देखिए इसमें आपको दो कोर देखने को मिलते हैं और दो थ्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। बेस फ्रीक्वेंसी इसकी 3.40 GHz तक की है। 4 MB का स्मार्ट कैश मेमोरी देखने को मिलता है। इसकी बेस पावर 46 वाट की है। 128 GB तक आप रैम लगा सकते हो। DDR5 4800 MHz और DDR4 आपकी 3200 MHz तक की सपोर्ट कर जाएगी। इंटेल का USD ग्राफिक आपको देखने को मिलता है। 710 मॉडल 1300 MHz तक की स्पीड आपको निकाल के ये दे देगा। और ग्राफिक कार्ड ये सपोर्ट कर जाता है 4.0 और 5.0 जनरेशन तक के। LG 1700 सॉकेट पर चलने वाला ये प्रोसेसर है। डिस्प्ले 4 सपोर्ट ये कर जाएगा। ऑफिशियल जो इसकी इंटेल की प्राइसिंग है $42 से $52 ये बताई गई है। अगर $52 को $1 की कीमत ₹75 मान के मल्टीप्लाई करें तकरीबन 4000 के लमसम रेट आता है निकल के। और अभी अवेलेबिलिटी की इसकी बात करें तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी अवेलेबल ऑनलाइन मिल नहीं पा रहा है ये, तो कुछ समय इसका वेट कर सकते हैं आप। तो देखिए बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड आसूस प्राइम H610ME D4 मदरबोर्ड, ये मिनिमम मदरबोर्ड है जो अभी सेल हो रहा है। और इसके स्पेसिफिकेशंस अगर आप देखो तो LG 1700 सॉकेट को ये सपोर्ट करता है। DDR4 सेटअप इस पर आप बना सकते हो, DDR5 को सपोर्ट नहीं करता है ये। PCIe Gen 4 तक के आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। डुअल M.2 स्लॉट इसमें दिए गए हैं। 1 GB की लैन है, डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI पोर्ट और डी सपोर्ट ये आपको देखने को मिलते हैं। USB 3.2 जनरेशन का भी पोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह के कुछ जो हैं आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जो नॉर्मल आपको अधिकतर मदरबोर्ड्स में देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसकी प्राइसिंग की, अमेजोन पे ₹8,550 में तकरीबन सेल हो रहा है। अभी प्राइम AVGP पे ₹7,200 का सेल हो रहा है। तो देखा जाए तो मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली अभी आ रहे हैं LG 1700 वाले। अगला कंपोनेंट अगर देखें तो 4 GB की DDR4 रैम 2666 MHz, इसकी प्राइसिंग आपको ₹1,690 आपको देखने को मिल जाती है। बजट अगर और है और तो इस मदरबोर्ड के साथ आप 8 GB की 3200 MHz तक की आप रैम जरूर लगाएं। तो फिलहाल इस वाले बिल्ड में हम 4 GB की रैम लगा रहे हैं और इसी बिल्ड में हम एक SSD को यूज कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी है 120 GB की। प्राइसिंग की बात करें तो ₹1,440 अमेजोन पर देखने को मिलता है। आप चाहो तो NVMe भी लगा सकते हो। इस वाले बिल्ड में SSD 120 GB की सफिशियंट रहेगी क्योंकि बहुत ही लो कॉस्ट का हमारा प्रोसेसर यूज हो रहा है, तो ज़्यादा जो है कोई इसमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तकरीबन 2100 के आसपास जो है आप RGB लुक के साथ आने वाली एक कैबिनेट ले सकते हो और एक जो है पावर सप्लाई लगभग ₹600 के आसपास आपको ऑनलाइन सेल करते हुए मिल जाएगी। तो तकरीबन 2600-2700 के आसपास इसका एक बंडल बन जाएगा। और अगर RGB लुक नहीं चाहिए तो एक कैबिनेट आती है फिंगर्स की ₹2499 की, जिसमें 450 वाट का SMPS 7 में आता है। आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो दो तरह से आप अपने सिस्टम को लुक दे सकते हो, RGB वाला और नॉन RGB वाला, इस तरह से भी आप लुक बना सकते हो। तो देखते हैं पूरा हमारा लो सेटअप पूरा DDR4 इस प्रोसेसर के साथ कितना बनता है। तो देखिए बात करें प्राइजिंग की, तो इंटेल सेलरॉन प्रोसेसर G6900 इसकी प्राइजिंग हम मान लेते हैं तकरीबन ₹6,000, जैसा कि ऑफिशियल रेट दिखा रहे थे ₹3,900 के आसपास 4,000 आ रहा था। तो हम ₹6,000 इसका मान के चल रहे हैं क्योंकि 6,000 से ज़्यादा ऊपर लेने का, दो कोर दो थ्रेड्स के साथ प्रोसेसर लेने का कोई मतलब नहीं है। ₹6,000 इतना ठीक रहेगा इस प्रोसेसर के लिए। दो कोर चार थ्रेड्स का भी एक प्रोसेसर है 12th जनरेशन के अंदर, उस पर भी एक बिल्ड असेंबल करके हम डाल देंगे, उसको भी आप देख सकते हो। और मदरबोर्ड देखिए सबसे ज़्यादा महंगा है इसमें, DDR4 टेक्नोलॉजी का ही मदरबोर्ड है, DDR5 का नहीं है। लेकिन क्योंकि DDR5 के तो और भी ज़्यादा कॉस्टली हैं तो DDR4 ही सेटअप बना रहे हैं। लेकिन मिनिमम आपको मदरबोर्ड देखने को मिल रहा है ₹7,200 का। 4 GB DDR4 रैम 2666 MHz तक ₹1,690 खर्च हो रहे हैं। SSD आपकी 120 GB की ₹1,440, कैबिनेट विद SMPS का ₹2,500 मान ले रहे हैं। तकरीबन ₹18,830 का एक CPU आप मान के चल सकते हो कि प्रोसेसर जब अवेलेबल होने लगेगा तो आपका इतने का ये बन जाएगा। तो फिलहाल हर एक प्रोसेसर जो हमें मिल पाता है, जो भी लॉन्च हो रहा है या जो भी उपलब्ध है, उन सब के साथ बिल्ड आते रहते हैं। और देखते रहिए, सीखते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स ख्याल रखें अपना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।